come back to more and more. वैसे आज का ये जो वीडियो है भूतों वाला यानी कि घोस्ट शिप के ऊपर, ये कंटिन्यूएशन में है पिछले बरमूडा ट्रायंगल वाले वीडियो के ऊपर, जिसपे कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सॉरी झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नहीं, एक आध कमेंट्स आए थे और कुछ मैसेजेज आए थे। अब इतने सब्सक्राइबर नहीं है ना तो भर भर के नहीं आते, तो जितने भी आए थे उसमें लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि भाई आपने बता दिया कि बरमूडा ट्रायंगल जैसे मिथ्स है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, ना वेदर कंडीशन में आप नॉर्मल चेंजेस आते हैं, ना शिप में कुछ अबनॉर्मल चेंजेस आते हैं, ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये जो न्यूज़ वाले बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, ये जो लोग घोस्ट शिप्स के बारे में दिखाते हैं कि ये कोस्ट पे घोस्ट शिप्स पाया गया, द शिप वॉज लॉस्ट फॉर 30 ईयर्स और अचानक से वो शिप जो है फ्लोट करता हुआ किसी कोस्ट पे आ गया किसी कंट्री के, तो क्या ये झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, लेकिन वो थोड़े से सच में थोड़ा सा मसाला लगाते हैं, आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो आप असल में देखना पसंद करते हैं। और ये मसाले वाले चीज़ें आके कॉन्ट्राडिक्ट करती है इस चीज़ से कि एक्चुअल में घोस्ट शिप्स होते हैं क्या, और होते हैं तो क्या कहानी है, मतलब घोस्ट शिप्स होते क्या हैं। तो इस वीडियो के अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि घोस्ट शिप की सच्चाई क्या है, घोस्ट शिप्स होते हैं क्या, होते हैं तो क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये फोटो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये फोटो मैंने 2018 में दमेता इजिप्ट के एक पोर्ट में क्लिक किया था। ये शिप शोर पे अग्राउंड हुआ पड़ा था पिछले 5 साल से, और आप अगर इसमें देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसमें ऑलरेडी जंग लगना शुरू हो गया है, यानी कि रस्ट आना शुरू हो गया है। ये शिप आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद तक अगर यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो ये शिप क्या बन जाएगा, एक जंग लगा हुआ शिप कुछ इस तरह का। और ये शिप कैसा दिखेगा, घोस्ट शिप के जैसा। पर अब ये घोस्ट शिप फ्लोट करते करते अचानक से कैसे आ जाते किसी पोर्ट पे? अब क्या होता है, मेरे पास फोटोज तो ज़्यादा नहीं है, पर मैंने जब भी जितने जगहों पे ट्रैवल किया है, स्पेशली चाइना कोस्ट पे और ऐसे जगहों पे जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे कितनी बार शिप्स अग्राउंड हो जाते हैं, यानी कि गलत प्लानिंग के कारण या गलत नेविगेशन के कारण या किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट या किसी मैलफंक्शन के कारण शिप अग्राउंड हो जाते हैं और शिप को रिकवर करना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। ये शिप से क्रू मेंबर्स तो हट जाते हैं, पर ये शिप सालों तक एक जगह पे पड़े रहते हैं अग्राउंड, यानी कि इनके पास इतना सफिशिएंट पानी नहीं था कि ये फ्लोट कर सके और ये एक ग्राउंड पे टिक गए। अब ये शिप्स को यहाँ से हटाया नहीं गया, लेकिन किसी दिन पानी का लेवल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, और ये पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ये शिप वापस से फ्लोट हो जाते हैं। अब 30 साल बाद तक जाहिर सी बात है इस पर कोई नहीं रहने वाला है, लेकिन जब ये शिप फ्लोट होके यहाँ से पास वाले सिटी या पास वाले कोस्ट में पहुंचेगा तो क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये शिप 30 साल पहले खोया था, अरे अचानक से ये शिप फ्लोट हो गया, अरे इस पर कोई आदमी नहीं है, अरे इसमें तो जंग लगा हुआ है, तो इसको हम डिक्लेयर कर देंगे घोस्ट शिप। और थोड़ी सी टीआरपी बनाने के लिए आपके न्यूज़ चैनल, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ऐसी जगहों पे ये घोस्ट शिप की स्टोरीज आनी शुरू हो जाए। एक और फैक्ट बताओ तो आज के डेट में AIS, LRIT और ढेर सारे इन टेक्निकल चीज़ों की वजह से शिप्स को ट्रैक करना आसान है। आज के डेट में अगर कोई शिप खोता है और मिलता है तो उसका पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाला है, एंड यू विल कम टू नो, मतलब एवरीवन विल कम टू नो। ये अलग बात है, फिर भी मसाले लगेंगे, फिर भी न्यूज़ फैलेंगे, फिर भी आप देखेंगे और फिर भी आप विश्वास करेंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों पर विश्वास करना आसान और पसंदीदा समझते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये घोस्ट शिप वाली कहानी आपको पसंद आई हो, मतलब सच्चाई आपको पसंद आई हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है या मेरे चैनल का कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियोस को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, जहां भी कर सकते हो, चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और सच्चे वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, साइन ऑफ वाले वीडियो में। 2 दिन बाद मैं उतर रहा हूं, तो उतरने के बाद अगला व्लॉग आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।